अगर देखा जाए तो उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके पहले भी हमने कहा था कि इंडिया गठबंधन का इस बार प्रदर्शन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की स्थिति देखी थी, उससे साफ जाहिर था कि इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा होगा। मैं आपको एक बात बतला दूं, जिस समय राहुल गांधी ने संविधान की का किताब लेकर उसे कहना शुरू किया कि संविधान खतरे में है बाबा साहब अम्बेडकर की, तो एनडीए के लोगों ने चुटकी ली। लेकिन उस संविधान की किताब ने जो कमाल करके दिखलाया है वह आज जनता के सामने है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मोदी से ज़्यादा मतों से राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि मैं अमेठी भी एक राउंड लगा करके आया था, रायबरेली भी एक राउंड लगा करके आया था। मुझे लग रहा था जो वहाँ के लोगों से जो बातचीत हुई थी और जिस हिसाब से हरिजन मतों का ध्रुवीकरण हो रहा था, और मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से साधुवाद देना चाहूँगा अखिलेश यादव जी को भी कि उन्होंने इस बार परिपक्वता का परिचय दिया। नहीं, देखिए ऐसा है कि लोगों में नाराज़गी है, लोगों में नाराज़गी इसलिए है कि लोगों ने इनको वोट दिया था कि जब 450 रुपये का सिलेंडर था तो इन्हीं की एक जो है पूर्व मंत्री कह रही थी कि जो है चूड़ियाँ फेंक रही थी, और वही आज गैस सिलेंडर हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे जो है खाद्य सामग्री हो गया, इन चीज़ों को लेकर जनता में एक नाराज़गी तो है। देखिए राष्ट्रवाद ठीक है कि राष्ट्रवाद देश के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस देश में 70% से ज़्यादा लोग जो है गरीब हैं, मध्यम हैं। तो बनारस की जनता ने जो भी मैंडेट दिया, मोदी जी 1.5 लाख वोटों से समथिंग यहाँ जीत दर्ज की है, 1,52,000 से, लेकिन वो जीत बहुत बड़ी नहीं है, यानी कि यहाँ की जनता में नाराज़गी अभी है। और यहाँ पे नहीं, पूरे भारत में एक चीज़ की नाराज़गी थी, महंगाई और रोज़गार, और कहीं ना कहीं जो हमारे जो भी संस्थान हैं उनकी जो रवैया रही है विगत 10 सालों से, इसकी नाराज़गी भी थी जनता में कि एक व्यक्ति कोई भाषण दे रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत नोटिस दे दे रहा है, वही जब पार्टी और सत्ता के लोग भाषण दे रहे हैं तो न कोई भाषण, न कोई मतलब कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो जनता यहाँ की समझदार हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बार जो भी मैंडेट आया है तो अब भाजपा को सोचना होगा। जीत का मार्जिन इसलिए कमाया कि कार्यकर्ता थोड़े नाराज़ थे, और कुछ क्या है कि वो आलू बनाने वाली जो मशीन है, जो सोना, वो थोड़ा सा लोग भाग गए कि अब सोना मिलेगा, 8,500 रुपये मिलेगा महिलाओं को, तो थोड़ा सा हाँ 1,00,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो जहाँ 6,000 रुपये साल में मिलता था वहाँ 1,00,000 मिलेगा, तो जनता थोड़ा प्रलोभित हो गई। और हम लोग तो झोला लेके अब तैयार हैं, और चंदौली की जनता, अगल बगल की जनता, वहाँ क्योटो बनाएंगे अब वीरेंद्र सिंह जी को लेकर, विकास करेंगे हम लोग, देखेंगे 5 साल का विकास उनका भी हम तय करेंगे। लल्लू सिंह हार गए अयोध्या में, भव्य राम मंदिर बना, कारण क्या रहा? विकास जहाँ रही, कारण क्यों नहीं बताएंगे? पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार, इसके पहले अखिलेश सरकार बनी थी, 47 सिर्फ रह गई थी। विकास जनता को नहीं चाहिए, अब प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि विकास कुछ मत दीजिए, यहाँ की बिजली भी जैसे थी पहले उसी तरह कर दीजिए, जब जनता फिर रोएगी कल्पेगी तब हम याद करेंगे। बड़ी बड़ी का गुस्सा बोल रहा है, राजनीति में नाराजगी नहीं होती है। मैं देखिए, अगर ये सत्य है कि बेरोजगारी और महंगाई और बेरोजगारी, एक प्रोफेशन हमने चुना, मैंने अगर अपनी पढ़ाई से एक प्रोफेशन चुना वकालत, जब मैंने पहले से ही चुन लिया, अब अपने आप को बेरोजगार भी कहूँगा मैं? मैंने प्रोफेशन अपनी मर्जी से चुना था वकालत, मैं अपने आप को फिर धोखा दूंगा? अरे भाई, सवाल ये है कि आखिर क्यों बेरोजगारी पर ये भ्रम? यही तो कह रहा है कि कांग्रेस अपने जुमले पे जनता को प्रलोभन जो दी वो उस पे साकार हो गई, जो उसने जो माया जाल फैलाया उस पे एकदम जनता खुश हो गई कि बस हमको 1,00,000 मिलेगा। जनता चुनाव 1,00,000 रुपया शुरुआत में बीजेपी ने भी देने का वादा, जब जनता चुनाव लड़ती है ना, जब जनता चुनाव लड़ती है तो अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। आप
आप जो है मंगल सूत्र बेच रहे हैं, आप जो है सलाम कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक मतलब एक भारत के प्रधानमंत्री जिनको कि अपने भाषाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं इस मामले में अब राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता के पप्पू तो इस बार उसको नहीं बना पाए, इसलिए कि अब वो परिपक्व होकर के निकला, उसने एक संविधान को दिखला करके इतना बड़ा बवंडर दिखला दिया। 50 साल राजनीति में यही होती है जुमलेबाजी। आपने जुमलेबाजी की, आप सफल हो गए तो ठीक, आप जुमलेबाजी किए, जुमलेबाजी में सफल हो गए तो ठीक, हमने जुमलेबाजी किया, अगर जुमलेबाजी में हम सफल हो गए तो गलत। चुनाव बंटी जी, इस सरकार की सबसे बड़ी जो है विफलता रही, इसका सबसे बड़ा वजह है कि जो है एक संस्थान जो है मोनोपोली, जैसे कांग्रेस की सरकार थी तो 7 से 8 टेलीकॉम कंपनियां थी जिसमें आप भी यूज़ किए, हम भी यूज़ करते थे। जब से मोदी जी आए, BSNL चौपट, फिर जियो को लॉन्च किए, फिर एयरटेल और वोडाफोन बचा, जितनी छोटी कंपनियां थी भारत छोड़ के चली गई। घाटा किसका हुआ? मध्यम परिवार का। पहले मुझे याद है, हम भी जब पढ़ते थे, जब लॉ हम लोग पढ़ाई करते थे, 20 रुपये का कूपन, आप भी 50 रुपये का कूपन हम लोग लेके भरते थे, मोबाइल 6 महीने 1 महीने अपने परिवार से हम लोग संपर्क में रहते थे। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, 79 रुपये का रिचार्ज जियो देती है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, 79 रुपये का रिचार्ज जियो देती है और पूरे महीने अनलिमिटेड कॉलिंग जियो का 1500 रुपये का, 15 बता दूं, मैं बता दूं।